असी पिंडां दे विच फिरदे आ, जिहड़े जिहड़े पिंडां च जांदे आ असी, जो उत्ते 20-50 बंदे इकट्ठे करके असी उत्ते स्पीकर दे विच बोल के जे कहने आ वी इकट्ठे होवो असी आए आ, उहनां नूं लामबंद करन लई उत्ते बोलणा हुंदा है जां उहनां दे विच जोश भर के उहनां नूं तैयार करना हुंदा मोर्चे च भेजण लई, तां उह सानूं कहिंदे आ असी तां 10 जणे कल अड्डे ते बैठे सी, पुलिस गेड़ा मारदी आ 10 जणां नूं, उह दहशत पाउण नाल सरकार करा रही आ सारा कुछ, पंजाब दी सरकार आ भावें केंद्र सरकार आ, सरकारां कोल बहुत कुछ है, अफवाहां फैलाईआं जा रहीआं ने। देख लो जिन्ना चिर बंगाल दी इलैक्शन सी, बंगाल दीआं रैली चिर तक कोई करोना नहीं कितने इन्हों की नज़र आया, पता नहीं ये करोना इन्हों का मैं कहना एक प्रोड्यूस किया प्रोजेक्ट है, प्रोड्यूस कर लेंगे ने जो मर्जी इन्हों घटा देंगे, जो मर्जी वधा देंगे। कद हिसार के घटना हो जाती है, कद टोहाना के घटना हो जाती, लगातार पीसफुली कर रहे किसान जेडे कि अपना धरना शांतमई तरीके कर रहे, फिर भी लाठीचार्ज किया जाता है, परचे दर्ज किए जाते हैं। जुल्म का कम है जुल्म करना, ठीक है जी, सानू साडे गुरुआ ने साडे वड्डिया ने दसिया ही यह है कि सबर नाल जितया जाना है, संघर्ष हमेशा सबर नाल जितते जाते हैं, ये लड़ाई ही जबर ते सबर दी है, उन्होंने जबर करना है ते असी सबर करना है, लड़ाई जितांगे एक दिन जित के रहांगे। ये लंगर कितने रुकने ने, ये लंगर सदा ही चलते रहने ने ते सदा ही चलते रहेंगे, क्योंकि बेशक जो मर्जी कही जान, ये जदों इत्थे बदाम वंडे जाते इन्हां दे उदों भी ढिड दुखदा सी, अज जे छबीलां लगदियां इन्हां दा हुण भी ढिड दुखदा, ये तो ऐ ही चलना है, ये साडे गुरुआं दी मेहर है। टीसी उत्ते लगे हुए कै कैमरे की अख है, बिट्टू खन्ने वाले का ना पूर दी ओ पख है, टीसी उत्ते लगे हुए कैमरे की अख है, बिट्टू खन्ने वाले का ना पूर दी ओ पख है, केड़े केड़े कदों कीते बचन बिलास लिखे जाणगे, दिल्ली बार्डर के इतिहास लिखे जाणगे, दिल्ली बार्डर के इतिहास लिखे जाणगे। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश के दर्शकों का मैं हरजीत कौर स्वागत कर, दर्शकों आप जी ने पता है कि जदों तो किसानी अंदोलन शुरू होया तो सिंगरां ने भी इस किसानी अंदोलन के बड़ा वड्डा योगदान पाया, पर हुण 6 महीने हो चुके ने, तकरीबन पहला नौजवानों को लामबंद भी किया इस किसानी अंदोलन के भी लैके, पर हुण कोई सिंगर इतने नज़र नहीं आ रहा, पर अज बिट्टू खन्ने वाला जी पहुँचे ने किसानी अंदोलन के, स्वागत करते हैं इनका पंजाब न्यूज़ से। सत श्रीकाल जी, पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों को मेरे वालों भी प्यार भरी सत श्री अकाल। बिट्टू जी, तुसी सब तो पहला आउंदे ही कलाकारा की गल की है कि वाकया भी उस समय इन्ना वड्डा जोश से लगातार किसान कलाकार इतने बैठे हुए सी, तां जी तुहानू क्यों इदां लगा कि कलाकार जिहड़ा अपना सहयोग नहीं दे रहे? नहीं, सहयोग दे रहे हैं साडी कलाकारां दे विच भी, जिवें अजकल तुसीं देखिया भी कलाकार मार्केट दे विच टिकणा बहुत औखा है, इत्थे आउंदे आ दुध दे बाले वांगू एक गीत कीता ते वेले हो के पता नहीं लगता किधर चले गए, उस तरह ही साडे कलाकारां ने भी जदों इह मोर्चा स्टार्ट होया तां बड़ा वड्डा योगदान है, मैं सल्यूट करदा कलाकारां नूं, इह नहीं कहिंदा भी योगदान नहीं, बड़ा वड्डा योगदान है, पर हुण थोड़ी जिही उहनां दी जिहड़ी सफबंदी है घटी हुई है, इत्थे नहीं आ रहा कोई, हुण लोड है, हुण जरूरत है। तुहानूं कोई क्यों नहीं आ रहे हुण? कारण तो हुण उही दस सकदे ने जिहड़े नहीं आ रहे, पर मैं आ रहा लगातार, मैं तो ये कह सकदा है ना। बिट्टू जी, अक्सर असी देखते हैं कि जिस हिसाब के ना पूरे देश का माहौल बनया, एक पासे पंजाब दे विच कई मुद्दे है जिहड़े कि लगातार उछाले जा रहे हैं, चाहे वह किसी भी मुद्दे लैके देख लीए, कोई राजनीतिक मुद्दे लै लीए, कोई धार्मिक मुद्दे लै लीए, तो पूरे देश दे विच करोना का जिहड़ा कहर है वह भी कितने ना कितने ज़्यादा, फिर थोड़ा नहीं लगता कि इस वक्त इस करके मोर्चे दे विच भी गिणती जिहड़ी घटती जा रही? बिल्कुल, सरकारां ने जिहड़ियां बड़ी वड्डी गल हुंदी है, सरकारां कोल अफवाहां फैलाउण लई बड़ा कुछ हुंदा है, असी हुण जे मैं काफ़ी देर बाद इत्थे मान लो भी मैं भी टाइम गेड़ा लाया, असी पिंडां दे विच फिरदे आ, जिहड़े जिहड़े पिंडां च जांदे आ असी, जो उत्ते 20-50 बंदे इकट्ठे करके असी उत्ते स्पीकर दे विच बोल के जे कहने आ भी इकट्ठे होवो असी आए आ, उहनां नूं लामबंद करन लई उत्ते बोलणा हुंदा है जां उहनां दे विच जोश भर के उहनां नूं तैयार करना हुंदा मोर्चे च भेजण लई, तां उह सानूं कहिंदे आ असी तां 10 जणे कल अड्डे ते बैठे सी, पुलिस गेड़ा मारदी आ 10 जणां नूं, उह दहशत पाउण नाल सरकार करा रही आ सारा कुछ, भावें उह पंजाब दी सरकार आ भावें केंद्र सरकार आ, सरकारां कोल बहुत कुछ है, अफवाहां फैलाईआं जा रहीआं ने। देख लो जिन्ना चिर बंगाल की इलैक्शन सी, बंगाल दीआं रैलियां सी, उन्ना चिर तक कोई करोना नहीं कितने इन्हों की नज़र आया, पता नहीं ये करोना इन्हों का मैं कहना एक प्रोड्यूस किया प्रोजेक्ट है, प्रोड्यूस कर लेंगे ने जो मर्जी इन्हों घटा देंगे ने जो मर्जी वधा देंगे, हुण इलैक्शन फिर नेड़े है, हुण करोना फिर उड़ता जा रहा, दिनों में ऐ भज गया जिवें कि मैं कहना भी गिनती घटती जा रही है, जो नवे केस आ रहे से भी बहुत घट हो गए। हाँ जी, उही बंदे ने, उही माहौल है, उही सारा कुछ है, पर यह सारा कुछ मैं तो समझदा प्रोड्यूस किया होया है इन्हों का। जी बिट्टू जी,
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਜੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਸਲਿਊਟ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਪਿਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਕਰੋਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 580-82 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 31-32 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਵਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਜ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਜੂਨ ਸਵੇਰੇ 6:40 'ਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:45 'ਤੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਸੰਤ ਸੂਰਬੀਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਭਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਹ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਪਿਰਟ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ
जोश भरते रहेंगे तो असी जुल्मों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जी बिट्टू जी, तुसी देख सकते हो कि आज लॉकडाउन के करके हर एक किसान का, हर एक मजदूर का, हर एक व्यापारी का नुकसान है, क्योंकि लॉकडाउन दुकाना बंद हो रही, हर एक चीज़ बंद हो रही, आर्थिक पक्षों बहुत ज़्यादा कमजोर हो रहे हैं। पर तुसी किवें देखते हो सिंघू बार्डर से जो आते हो हर पास लंगर ही चलते हैं, इतों तक कि ठंडिया छबीलों 1 जून तो ही लगनिया शुरू हो जाए। ये साढ़े गुरुआ की मेहर है, माता खीवी जी के टाइम जिहड़ा लंगर चलिया वो लंगर बेशक बाबे नानक ने 20 रुपए का लंगर दे के भुखे साधुओं नू लंगर छकाया, वो लंगर अज तक चल रहा है। ये लंगर कितने रुकने ने, ये लंगर सदा ही चलते रहने ने ते सदा ही चलते रहेंगे, क्योंकि बेशक जो मर्जी कही जान, ये जदों इत्थे बादाम वंडे जाते इन्हां दे उदों भी ढिड दुखदा सी, अज जे छबीलां लगदियां इन्हां दा हुण भी ढिड दुखदा, ये तो ऐ ही चलना है। ये साढ़े गुरुआं दी मेहर है, जिहड़ा तुसीं कहिंदे हो वी बड़ी तंगियां तुरसियां ने, ते सरकारां दीआं पैदा कीतियां ने, इन्हां ने सारा कुछ पैदा किया है। अज दीआं तंगियां तुरसियां मैं एक सुनेहा देना चाहुंदा दुकानदारां नूं, मजदूरां नूं, कि अपने विच पाड़ो ते राज करो दी नीति सरकारां मना रहीयां ने, इहनूं तिलांजलि दिओ, इहनां नूं ठोक के जवाब दो, एके दा सबूत दो, अज थोड़े बहुते घाटे की गल है, नहीं तो सारी उम्र घाटे च चली जाऊगी, साडियां नस्लां डुब जाणगियां, इन्हां नस्लां नूं बचाओ, यही मेरा सुनेहा जी। असीं चाहुंदे हां कि कुछ कुछ सतरा साडे चैनल दे माध्यम तुसीं बयान करो, क्योंकि अक्सर असीं देखदे हां कि हर एक सिंगर ने किसानी अंदोलन ते कोई ना कोई गीत जरूर कढ़िया। हाँ, मैं काफ़ी गीत कढ़े आ, 3-4 गीत पहला आया, पर जिहड़ियां मैं नज़र 17 हुण लोगों के नज़र करके हटिया, मेरे इत्थों बैठे सूरबीर योध्या दे, मेरिया भैणां दे, मेरिया मातावां दे, उहदे चों दो लाइनां तुहानूं सुनाऊंगा कि अक्खर सुनहरी पन्ने खास लिखे जाणगे, ये दिल्ली बार्डरां दे इतिहास लिखे जाणगे, ये दिल्ली बार्डरां दे इतिहास लिखे जाणगे, किहड़े किहड़े कहर कदों कीते सरकारां ने, होए ने शहीद किन्ने, कीता की गदारां ने, होए ने शहीद किन्ने, कीता की गदारां ने, किहड़े किहड़े फेल होए पास किन्ने पास लिखे जाणगे, दिल्ली बार्डरां दे इतिहास लिखे जाणगे, ये दिल्ली बार्डरां दे इतिहास लिखे जाणगे। बड़िया वधिया बोलियां सी, ओ भी जरूर सुना दिया जाए। टीसी उत्ते लगे हुए कैमरे दी अख है, बिट्टू खन्ने वाले दा ना पूर दी ओ पख है, टीसी उत्ते लगे हुए कैमरे दी अख है, बिट्टू खन्ने वाले दा ना पूर दी ओ पख है, केड़े केड़े कदों कीते बचन बिलास लिखे जाणगे, दिल्ली बार्डरां दे इतिहास लिखे जाणगे, दिल्ली बार्डरां दे इतिहास लिखे जाणगे। किवें देखदे हो कि अज पूरे देश दे विच बदलाव आया, क्योंकि असीं अक्सर देखदे सी कि लोक हथियारां दे, कोई लच्चर गायकी दे गीत सुनना पसंद करते, पर आज किसानी अंदोलन चल रहा तो किसानी अंदोलन से ही आए गीतों पसंद कर। मैं कहना दुकानदार उही समान पाउंदा दुकान दे विच जिहड़ा विकदा है, जिहड़ा विकदा है, सो साढ़े उन्हां गीतों नूं भी लोग ना सुन, इन्हां नूं सुन, सानू की लोड़ है असीं गीत ही गाउणे हैं, असीं तां धार्मिक गाइए, किसानी दे गीत गाइए, असीं तां समाजिक गीत गाइए, सानू की लोड़ है। पर साढ़े सानूं तां अफसोस है, मैनूं इह गल कहना पै रिहा अफसोस नाल, कि साढ़े जिहड़ी आउण वाली पीढ़ी है वह ये लच्चर गीतों दे नाल खराब की जा रही है, साढ़े संगीत दे विच बड़ी रलगड की गई है, पछमी सभ्यता का सहारा लिया गया, ये भी ये बड़ा वड्डा एक मैं कहना साजिश है कि इन्हां दी आउण वाली नस्लों नूं ही इस पास्यों मोड़ दिओ, अपने इतिहास तो वाकिफ ना हो जाण किते। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि सदा ही एवें दे गीत चलने चाहिए ने, साढ़े स्कूलों के इतिहास दीआं गल्लां चाहीदियां ने, नहीं तो हुण तक सानूं तां पानीपत दीआं लड़ाइयां ही पढ़ाई गए ने, ये तो होना ही नहीं चाहिए। मैं कहना ये इतिहास आउण वाली नस्लां पढ़नगियां ते कदे याद करनगियां कि दिल्ली दे सिंघू बार्डर ते, गाजीपुर बार्डर ते, शाहजहांपुर बार्डर ते, टिकरी बार्डर ते की होया सी, की होया सी। धन्यवाद जी, जांदे जांदे कोई संदेश भी देना चाहो? कोई संदेश नहीं, सारयां नूं इही कहना चाहूँगा कि भरावो जिथे भी बैठे हो, जो भी कर सकते हो, अपने घर जदों भी पाठ करदे हो अरदास करो, असीं इह संघर्ष जितीए, बड़ी छेती जितीए, दुश्मन छेती मन जावे साडियां मंगां, असीं मंगां तां साडियां 3 ही ने, एक कानून जिहड़े ने काले कानून बनाए है उहनां नूं रद्द करवाउणा, एक जिहड़ा MSP दा कानून बनवाउणा, जां जिहड़े होर इहनां दी सोच दे विच साडे प्रति गंद भरिया है वह गंद नूं कढ़णा, यही साडी मेरी बेनती है। अपने घरां दे विच अरदास करिया करो, जिहड़े सिंघू बार्डर ते, टिकरी बार्डर ते, गाजीपुर बार्डर ते, जां शाहजहानपुर बार्डर ते हुण तक नहीं आए वह जरूर हाजिरी भरो, यही सत्र यही सुनेहा मेरा, इहनां दे नाल खिमा चाहुंदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बिट्टू खन्ने वाला जी, तुसी देखिया कि अक्सर हर एक दी अरदास हुंदी है कि किसानी अंदोलन चल रहा है तो जल्दी तो जल्दी दी जित होवे, आस करदे हां कि इन्हां दी जिहड़ी
अरदास भी पूरी होवे, पर आने वाले समय च देखने वाली गल होगी कि इस किसानी अंदोलन का हल हों। सो बने रहो पंजाब न्यूज़ के नाल, धन्यवाद।